ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, और अभी इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बची हुई थी वो क्वेश्चन पहले पूछेंगे, ठीक है। वैसे आज हमने जो टॉपिक दिया था वो था जनसंख्या का, और उसको भी डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चन आज हम सैटरडे तो करंट इवेंट्स के भी, ठीक है, डिस्कस करेंगे आज। और लास्ट में हिंदी का भी पूछेंगे, जो हिंदी के हमने राइटर दिए थे आज भक्ति काल के लेखकों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है प्राचीन इतिहास वाला, वो पोर्शन रह गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि कत्यूरी काल के कितने ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए? ठीक आठ है, कत्यूरियों के 5 ताम्र अभिलेख मिले थे, ठीक है, और जो एक मिला था क्या शिलालेख, जो कि बागेश्वर से प्राप्त हुआ, ठीक है। ताम्र लेख की संख्या कितनी है? 5 हो जाएगी। पांच डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, जिन्हें चारण भी कहा जाता है या इंसाइक्लोपीडिया, इन्होंने कत्यूरियों को क्या माना था? कत्यूरियों को किस जाति से संबंधित माना है? इसका मतलब ये पूछ रहे हैं किस जाति से ये संबंधित है, तो ये माना था इन्होंने खासों खसों से संबंधित। से हाँ, ठीक है। फिर है, किस विद्वान ने कहा था कि कत्यूरी वंश के लोग पश्चिमी हिमालय की ढलान में निवास करने वाली कठोर जाति के वंशज है? ये किसने बोला है? एटकिंसन एटकिंसन ने बोला है, ठीक है। सबसे पहले जो है इस वंश के राजा को कत्यूरी नाम भी इन्होंने ही दिया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, ठीक है। कार्तिकेय राजाओं के लिए कत्यूरी नामकरण एटकिंसन की देन है। फिर आता है, कत्यूरी वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, या प्रारंभिक राजधानी हम इसको कार्तिकेयपुर बोलेंगे? जोशीमठ पहली थी जोशीमठ, यानी कार्तिकेयपुर। इसी कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शब्द जो है लिया गया एटकिंसन के द्वारा, जब उन्होंने पूरे उसका अध्ययन किया है काल का। नई राजधानी कहाँ बनाई गई थी? बैजनाथ बागेश्वर। बागेश्वर हाँ, तो सुरम्य घाटियों में, बैजनाथ की सुरम्य घाटियों में कहा जाता है कि इसकी स्थापना की गई। कत्यूरी वंश का संस्थापक राजा कौन था? बसंत बसंत देव या बसंतन इसको कहा जाता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की है? जो महाराजा अधिराज सबसे ज्यादा उपाधि ली गई है, परम भट्टारक महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा परम धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज एक ये कॉमन उपाधि है कत्यूरी राजाओं की, ठीक है। ज्यादातर ने इस उपाधि को धारण किया। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, ठीक है, ये किसकी उपाधि है? ललित सूर्यदेव ये ली थी निंबर ने, ठीक है। निम्बर के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है ना, किसका उपासक था निम्बर? शिव शिव का का उपासक था, ठीक है। अच्छा, फिर आता है, किस कस्तूरी राजा ने बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि धारण की? भूदेव हाँ, मतलब भूदेव आया था, ठीक है। ललित सूर की 2 पत्नी में से वो लया देवी का पुत्र था, ठीक है, लेकिन ये था कि बुद्ध श्रवण शत्रु, यानी बुद्ध को सुनने वालों का दुश्मन, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये कट्टर ब्राह्मण धर्मावलंबी इसको कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मण धर्म के प्रति इसकी आस्था थी केवल। फिर एक क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में भी आया था कि सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक, जैसे छोटे छोटे वंश हुए इसके अंदर, ठीक है, उसमें से सलोड़ादित्य का संस्थापक कौन था? हाँ, इच्छा इच्छा देव है इसका, ठीक है। जबकि सलोड़ादित्य का उत्तराधिकारी है, जो इच्छरदेव राजा है वो सलोड़ादित्य का उत्तराधिकारी है, ठीक है। यहीं पे बच्चों ने बहुत क्वेश्चन गलत कर दिया कि पहले राजा के नाम किसने ही स्थापना की होगी, तो वो गलत हो गया। किस कत्यूरी राजा ने अपने शासन के 25वें साल में बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान किया था? पद्मदेव पद्मदेव ने किया था,
और इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, ठीक है, भूमिदान, जो मंदिरों को भूमि दान की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? गूंठ भूमि। वो हो जाती थी गूंठ भूमि। शिव प्रसाद डबराल ने कतियुरों के राजधानी परिवर्तन का कारण किसे माना था? प्राकृतिक आपदा, जैसे हिमस्खलन या कोई और आपदा हो सकती है, जैसे अभी भी जोशीमठ में क्या है कि एक आपदा ही जैसा सब वो बन रहा है वहां पे, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ उस काल में भी हुआ, कोई घटना जिससे वो मजबूर हुए वहां से जाने के लिए। वरना क्या है कि जो अपना जहाँ पे सब कुछ स्थापित हो जाता है और फिर नए सिरे से सब चीजों को दूसरी जगह करना, तो वहां से, लेकिन उसका कुछ भी एग्जैक्ट कोई भी इतिहासकार नहीं बता पाया, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने माना है कि इनके अपने संप्रदायों में विवाद हो गया था, वैष्णव शैव धर्म के संप्रदाय आपस में भिड़ने के कारण उन्हें जाना पड़ा वहां से। आता है इनका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, कत्यूरी जो सेना थी कितने भाग में बटी थी? चार। हाँ, चार भाग है। जो पैदल सेना है वो था गौलमिक, ठीक है, अश्व सेना का अश्व बलाधिकृत, सबके आगे बलाधिकृत आ जाएगा, बल फोर्स को ही कहा जाता है, ठीक है, यानी आर्मी। हाथी का हो जाता है हस्ती बलाधिकृत और ऊंट का है उष्ट्र बलाधिकृत। तो ये चार भागों में याद रखना है। कत्यूरियों के काल में जो है लोक भाषा क्या थी? कत्यूरी काल कत्यूरी काल की जो है वो पाली थी। राजा का सलाहकार या राजा के बाद सर्वोच्च पद कौन सा था? राजा का सलाहकार भी है, राजा के बाद सबसे बड़ा पद था राजात्मी, उसको बोलते थे, ठीक है, राजात्मी। सेना का प्रधान क्या कहलाया? सेना का प्रधान ये था महासामंत। इसी तरह निरीक्षण करने वाले को महाकर तीर्थिका कहा गया, सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक को उदासिला, राजमिस्त्री बताओ, राजमिस्त्री करिका, करिका राजमिस्त्री के लिए करिका शब्द आया इसमें। फिर आता है सीमा रक्षक, तो तुम्हारा हो जाएगा, ये था प्रांतपाल, सही है, प्रांतपाल का सहायक और आवागमन का अधिकारी, तब आएगा वर्मपाल, ठीक है, प्रांतपाल पहले बड़ा, फिर वर्मपाल सहायक। प्रवेश द्वारों का रक्षक चुंगी वसूलने वाला या घाट पर आवागमन आवागमन को सुगम बनाने वाला यह नरपति। फिर पुलिस के कर्मचारी क्या कहलाए? चाट भाट। जैसे गुप्त काल तुमने देखा है, गुप्त काल की तरह यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो कई चीजें जो है गुप्त काल से प्रेरित है, इससे पता चल रहा है। कोई भी सिस्टम जो है ना वो किसी ना किसी से सीखा जाता है, जैसे हमने अपने देश में संविधान बनाया तो वो भी कितने सारे हमने कंट्री से ले रखा है, किसी ने हमारे राजाओं से सीखा और कुछ हमारे राजाओं ने भी बाहर से सीखा है। इसकी भी मैं तुम्हें, जिसने अभी तक नहीं लिखा है ये सब मैटर, तो वो फोटो दे देंगे, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब नोट कर लेना। कत्यूरी जो राजा थे उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया, ठीक है, किस उपाधि से? इस बात का पता चलता है कि ब्राह्मणों का महत्व था, यह परम ब्राह्मण की उपाधि, ठीक है, परम ब्राह्मण उपाधि धारण करना दर्शाता है कि ब्राह्मणों का स्थान काल में, इस काल में सर्वोच्च रहा। इस काल का सबसे अंतिम और अत्याचारी राजा कौन था? ब्रह्मदेव, जिसे वीरमदेव भी कहा गया है, ठीक है, और इसका उल्लेख जागरों में भी आता है, इसके अत्याचारों का। इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। स्थापत्य कला की दृष्टि से कत्यूरी कालीन मंदिर जो है वो कितने प्रकार के? दो
दो प्रकार के मंदिर यहाँ पे बने थे, एक था छत्रयुक्त और दूसरा क्या है, पैगोड़ा। शिखर युक्त मंदिर, ठीक है। जो छत्रयुक्त मंदिर थे उन्हीं को पैगोड़ा कहा गया, जिनमें लकड़ी और पत्थर लगा हुआ था, जबकि शिखर युक्त मंदिर क्या थे, पत्थर से ही बने हुए थे, यानी पाषाण से निर्मित थे। तो जो छत्रयुक्त वाला आएगा उसमें दोनों चीजों से निर्मित थे, ठीक है। छत्रयुक्त मंदिरों में लाखा मंडल उदाहरण है उसका, ठीक है। गोपेश्वर आ जाएगा, केदारनाथ, कत्यूरी शैली का बोला जाता है तो उसके अंदर भी पूछेंगे तो छत्रयुक्त आ जाएगा, देवलगढ़ के मंदिर और अल्मोड़ा का नंदा देवी का मंदिर। ऐसे मंदिर जो है सबसे अंत तक 13वीं सदी तक निर्मित हुए थे। तो छत्रयुक्त मंदिरों का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी के बाद नहीं हुआ। शिखर युक्त मंदिरों में पाषाण का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है और लोहे के कील और पट्टियों का भी उपयोग हुआ है, जो पत्थर होंगे उनको रोकने के लिए, ठीक है। ऐसा मंदिर कहाँ मिलते हैं जैसे शिखर युक्त वाले, तो वो आ जाता है जागेश्वर धाम के मंदिर, कटारमल यानी अल्मोड़ा के जो अधिकांश मंदिर है, द्वाराहाट के मंदिर, आदि बद्री, ठीक है, और जोशी मठ के मंदिर, ठीक है। इनमें से एक मंदिरों को परिवार समूह का मंदिर भी कहा जाता है, जो भी मैंने बताए तो वो है द्वाराहाट, ठीक है। द्वाराहाट के मंदिरों को परिवार समूह मंदिर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं फटाफट के कत्यूरी काल के मंदिरों में क्या विशेषता रही है। एक तो नागर शैली का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ था, पाषाण और काष्ठ का उपयोग हुआ है यानी पत्थर और लकड़ी का। मंदिर छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े मंदिर नहीं है। कत्यूरियों के मंदिर कोई देखने में बहुत ज्यादा बड़े विशालता वाले नहीं है, लेकिन छोटे मध्यम है, लेकिन स्थापत्य कला के अद्भुत है वो, ठीक है, अद्भुत नमूना है। जैसे कटारमल मंदिर है तो उसका जो तुमने पढ़ा होगा कि जो उसके द्वार है वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं, उसमें इतनी ज्यादा कलाकृतियां बनी हुई हैं कि जो भी विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आता है नेशनल म्यूजियम तो वो जरूर देखता है, ठीक है। तो उसको संरक्षित करने के लिए वहां ले जाया गया था। फिर आ जाते कि किस विद्वान ने ऐसा कथन दिया था कि जो काली मठ में हर गौरी मंदिर में मूर्ति है वो सारे भारत में ऐसी इतनी सुंदर और अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है, वो एक ही पत्थर को तराश के हर गौरी, ठीक है, कि एक साथ जो मूर्ति बनाई गई है यानी शिव और पार्वती की एक ही साथ एक ही पत्थर को तराश के मूर्ति, ऐसी मूर्ति केवल काली मठ में, तो राहुल शंकरत्याय ने बोला है, तो इसको भी नोट कर लेना बाद में सर, ठीक है, पॉइंट। क्योंकि देखो जब सुन ले उसके बाद याद करना भी आसान होता है ना, वरना क्या है कि बुक तो सभी के पास होती है लेकिन वो उसको कैसे क्या चीज पढ़नी है और उसको समय पे याद हो जाए बस नंबर, लेकिन देखो सबके अलग अलग ही आते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा जब अनुभव बढ़ेगा नंबर खुद ही बढ़ते जाएंगे, बस तुम्हें तब तक रुकना नहीं है जहां तक तुम्हारा टारगेट है, ठीक है ना। अगर तुम्हारी जॉब लग भी जाती है अभी जल्दी इसमें, मान लो कोई फॉरेस्ट गार्ड है या कोई उसमें, तो तब तक बढ़ेगा, देखते रहो। अभी पटवारी है सबसे पहले, तो फिलहाल पटवारी का फिक्स हो चुका है, जो डेट प्रस्तावित लिखा है उसमें भी तो होने का चांसेस है उसका पूरा पूरा, लेकिन अभी कुछ कह भी नहीं सकते जब तक एडमिट कार्ड निकलते नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी वो जो फॉरेस्ट गार्ड का आ चुके थे और फिर वो उसकी डेट अब 9 अप्रैल हो चुकी है, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट हमेशा वही होना चाहिए, जैसे वीडियो लेवल एग्जाम है या उससे ऊपर पटवारी का हो गया, दरोगा का हो गया, लेवल 6 के, इस लेवल पर ही तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। और जो पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड है ना, या कोई सा भी एग्जाम है, एग्जाम सारे अच्छे हैं वो, ठीक है, जॉब तो सारी अच्छी है, लेकिन जब तक नहीं मिली तो सारी अच्छी है तुम्हारे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये वाली वैसी है, वो भी बहुत मेहनत से मिल गई है ना, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं है ये सोच के कि लग गई, और एक बार पढ़ाई छोड़ दो तो फिर बहुत मुश्किल होता है। कितने भी बच्चे टॉपर हैं, है ना, हमारी एक स्टूडेंट है तो उसके पुलिस में उसने टॉप किया था, लेकिन फिर पहले तो बोलती थी कि मुझे इसके बाद इसकी तैयारी करूंगी, मैं दरोगा की करूंगी इसकी, लेकिन फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो गए, फिर उसमें क्या इंसान फंस जाता है। सर वॉइस कम आ रही है। हाँ, कौन सा वाला?
आ रही आवाज? एक मिनट दोबारा से कर देते हैं। अब बताओ आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अपना टारगेट एक रखो बड़ा, कम से कम ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ आगे इसी के कत्यूरियो के क्वेश्चन है। कत्यूरियो के सामंत किस वंश के राजा थे? कत्यूरियो के सामंत, तो कत्यूरियो के सामंत, सामंत वो राजा होते थे देखो जो छोटे राजा थे, अधीन होते थे जो, ठीक है, और बाद में जब वंश कमजोर हो जाएगा तो वही राजा कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो ये चंद राजा थे कत्यूरियो के बाद, क्योंकि चंदों का आया है कुमाऊं में, तो वो याद रखना है कि कत्यूरियो के सामंत हुआ करते थे चंद राजा, और पतन के बाद उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया। ठीक है, कितना भी महान वंश होगा वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। जैसे मुगल भारत में थे तो मुगल चले गए धीरे धीरे, तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता तब पैर फैलाया। ठीक है, उससे पहले तक वो क्या है कि परमिशन लेते रहे, सीमित क्षेत्रों में रहे, और उसके जो व्यापारिक नियम थे उनका पालन करते रहे। नेक्स्ट, आसंती देव की राजधानी कहाँ थी? ये थी जोशीमठ में। ठीक है, कत्यूरी कालका का अधिकारी था सौदा भंगाधिकृत, इसका कार्य क्या था? सौदा भंगाधिकृत, ये था रूपरेखा या आर्किटेक्चर, ठीक है, से संबंधित रूपरेखा या निर्माण, जैसे कोई नया किला या नया महल बनाना है तो उसका काम इसका था। गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? गुप्तचर विभाग, ये था दुसाध्य साधनिक। जी सर। ठीक है, भू अभिलेख किसके पास होते थे? भू अभिलेख यह औपचारिक है ना, अभी तो जैसे भू अभिलेख है तो पटवारी तहसीलदार का काम है ना, तो ये समझ लो कि उस समय का पटवारी या तहसीलदार का ही काम कर रहा है, औपचारिक। बड़ा स्रोत राज्यपाल उपराज्यपाल, हाँ वो उपरिक था, जो राज्यपाल पद आ जाता है वो उपरिक आ जाएगा फिर। ठीक है, ये बताओ राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कमाई का, ये आर्मी जो राजस्व कमाई होती है भू राजस्व से, ठीक है ना, जैसे आवाज वगैरह नहीं आती ना तो तुरंत उसमें मैसेज कर दिया करो, तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर, कभी कभी वो हो जाता है। ठीक है, तो राजस्व का स्रोत है भू राजस्व, जैसे आज भी किसी भी राज्य की ज्यादातर इनकम क्या है, लैंड रेवेन्यू से ही आती है, जमीनों की खरीद फरोख्त, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ठीक है, जैसे कोई 10 लाख की जमीन है तो तुम देखते हो कभी 50,000 रजिस्ट्री का लगता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है तुम्हारी जमीन मेन हाईवे से कितना दूर है, तो वो जितनी बार जमीन बिकती है और उसका राजस्व जो है वो राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा, तो राज्य सरकार का उतना फायदा है जितनी बार जमीन बिकती है। ठीक है, जमीन तो वही है क्योंकि गवर्नमेंट को तो कुछ नया करना नहीं है, है ना, बस लोग उसको खरीदते जा रहे लगातार और उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो ये एक आय का स्रोत हो गया। ठीक है, इसके बाद था खनिज का जो अधिकारी होता था खंड रक्षा स्थानाधिपति। ठीक है, खंड रक्षा स्थानाधिपति। अब आ जाते हैं कुछ माप का पैमाना। एक द्रोण जो होता था वो किसके बराबर होगा? एक द्रोण, ठीक है, एक शेर पैमाना बोला जाता है, एक शेर कितना होगा? आधा किलो। एक शेर होता था आधा किलो, जैसे घी वगैरह होता था लोटे में देते थे, एक लोटा होता आधा किलो। ठीक है, तो दो शेर हो गया एक किलो, तो ये 32 के बराबर होता था, 32 शेर यानी कि 16 किलो। 16 किलो याद रखना एक द्रोण होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना तुम्हें। फिर 8 द्रोण मिलाएंगे तो एक कुल्यवाप बोला जाएगा। ठीक है, ये और बड़ा पैमाना होता जा रहा है, एक कुल्यवाप होगा 8 द्रोण, तो इसको किलो में बदलेंगे तो 16 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 × 8। फिर आता है एक खारी, ये और बड़ा पैमाना होगा,
एक खारी वापम या एक खारी वाप, ये होता है 20 द्रोण के बराबर। ठीक है, तो इसको 16 किलो से जब करोगे तो 16 दूनी 32, 320 किलो हो रहा है। फिर ये तो एक खारी हो गया 20 द्रोण यानी 320 किलो, ये हो गया। ठीक है, प्रांतों का प्रशासन देखने वाला यानी कि राज्यपाल जो भी हम बात कर रहे थे वो हो जाएगा उपरिक। ठीक है, सबसे बड़ा पद है उपरिक। और जब हम इकाई की बात कर रहे थे वो खारी और द्रोण, तो पाणिनि ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो खारी जो है वो द्रोण से बड़ी इकाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि वो द्रोण से बड़ी है, तभी एक खारी बराबर 20 द्रोण हो रहा है। अच्छा, फिर प्रांतों का विभाजन किसमें था, जो प्रांत है उसको किसमें तोड़ा जाएगा। प्रांत से छोटा होता है जिला, तो जिले को बोलते थे विषय, और इसका जो मुखिया होता था विषयपति। जैसे आपका क्या हो जाए, जैसे जिलाधिकारी है, डीएम है, तो आज के जो नाम है उनसे तुम्हें कोरिलेट करना है। यानी कितने जिले थे उनके, तो ये 5 जिले याद रखने, कार्तिकेयपुर, टंकड़पुर, अंतराल विषय, ऐसाल विषय और मायापुर हाट। फिर है किशोर बड़ा को महाधिकृत, यानी कि जो राजा के निजी संपत्ति की देखभाल करने वाला अधिकारी। ठीक है, किशोर बड़ा को वही व्याधिकृत। सेना का प्रधान ये बता दिया है, कौन है सेना का, महासामंत। कत्यूरियों के जो सिंहासन को बाद में श्रीनगर कौन लाया था ये बताओ, कत्यूरियों के सिंहासन को अजयपाल। हाँ, तो रामायण प्रदीप में भी ऐसा उल्लेख हुआ है कि अजयपाल ने किया था। बड़ादित्य मंदिर किसने बनवाया, परीक्षा है और एक जेई परीक्षा है, ये सब जो है चतुर्वेदी जी ने अपने कबूलनामे में बोला कि हमने इसमें भी करवाया था और इस एग्जाम में भी बहुत हाई मेरिट गई थी। ठीक है, तो जब तक कुछ नीट एंड क्लीन रहता है तो सब यही सोचते हैं कि इसमें पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हो गए और इतनी ज्यादा हाई चलेगी, लेकिन इस एग्जाम की भी अब जांच शुरू हो चुकी है और ये तो इसका एग्जाम का तो लेवल भी अच्छा खासा है। लेक्चरर जो एग्जाम है जितना लगभग प्रिंसिपल की सैलरी होती है उतना लेक्चरर को मिल जाता है। तो इसमें एग्जाम में पूछा गया था प्रभावतारम, ठीक है, कत्यूरी काल में प्रभावतारम कौन था, भूमि माप वाले। हाँ, तो ये भू राजस्व अधिकारी प्रभावतारम कहलाया। अच्छा, मनीला देवी जिसका जिन्हें पारिवारिक देवी माना जाता है कत्यूरी वंश की, किस जिले में, अल्मोड़ा में। अब है गोविशान का वर्तमान नाम क्या है, यह गाय का सींग। ठीक है, गाय का सींग जो है इसका लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गाय का सींग। ठीक है, काशीपुर को प्राचीन काल में यही बोला गया। कत्यूरियों की एक पाली पछाऊ शाखा मानी जाती है, उसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित करवाया। कत्यूरियों की जो एक वो थी पाली पछाऊ, उसको द्वाराहाट है। ठीक है, द्वाराहाट याद रखना है। फिर आ जाता है कि सबसे बड़ी उपाधि जो थी यानी लिखने में जो सबसे लंबी है, ठीक है, वो कौन सी उपाधि, इच्छा देव की एक उपाधि है, भुवन विख्यात, दुर्ग दराती, शिवानंदिनी, वैधत्य, दीक्षादान, दक्षक गुरु। ठीक है, इसको नोट कर लेना बाद में।
तो इसका मतलब ये है कि शत्रुओं की विधवाओं को ज्ञान देने वाला राजा, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब ये है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो दुश्मन सैनिक मारे जाते हैं और जो उनकी विधवाएं बसती है वो विलाप करती है, रोती है, तो उनको गुरु बनते जो ज्ञान दे, ठीक है। तो ये हो गया कत्युग तुम्हारी। अब आगे, अब अगला है कि पहली राजनीतिक शक्ति किस वंश को कहा जाता है? कुणिंद। प्रथम राजनीतिक है कुणिंद जी सर। और कत्युरी क्या है? ऐतिहासिक है ना, क्योंकि जो हमने इतने सारे देखो पदों के नाम पढ़े, ये सब हमें वहां नहीं मिलेंगे। वहां पे क्या केवल क्या है कि मुद्रा का उल्लेख है और मुद्रा पे ही जो मिला वो सब है बस, तो सीमित है कुणिंद वंश का। तो पहली राजनीतिक शक्ति थी इसका प्रमाण है, लेकिन ऐतिहासिक वंश का दर्जा जो वर्णन है कई जगह आया, वैसे तो महाभारत में भी है, अष्टाध्यायी में भी है, और टॉलमी नामक विद्वान ने भी इसका उल्लेख किया है, ठीक है। तो इनके भी पांच अभिलेख मिलते हैं, भरहूत से मिले थे चार, एक मथुरा अभिलेख। कुणिंदों की जो मुद्राएं थी वो किस धातु की थी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका यही पूछते हैं मुद्रा। चांदी और तांबा, यानी सोने की नहीं थी इनकी, तो ये ऑप्शन से तुम्हें याद रखना, स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, रजत और ताम्र मुद्रा ही मिली। और ये संभव तो भारत के पूरे वंशों में से एक ऐसा है जिसके इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत मुद्रा बनी, ठीक है, मुद्रा पर ही आधारित है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का कुछ आया भी था पहले कि इनमें से किस वंश के राजाओं के मुद्रा जारी करने के वो नहीं मिले साक्ष्य, कौन सा था वो? कंदे। हाँ, चंद जो थे ना उनके किसी भी राजा का ये उल्लेख नहीं मिलता है कि उसने किस प्रकार की मुद्रा जारी कर दी है। बाकी परमाणु का भी मिला है ना, और इनका भी मिला है। महाभारत के वंश पर्व में सुबाहु का नाम मिला है, उनकी राजधानी कहाँ थी? राजा सुबाहु श्रीनगर थी, सुबाहु की राजधानी। और वन पर्व याद रखना है, कुणिंद जो जनपद या राज्य था वो पूर्व में काली नदी से था और पश्चिम में कौन सी नदी तक फैला था? ये था सतलज, ठीक है। उत्तर की ओर हिमालय की घाटियों, यानी कि हिमालय की घाटियों तक था, और नीचे सहारनपुर जिसे बेहट बोलते थे उस समय। तो दक्षिणी सीमा सहारनपुर आ जाएगी, उत्तर में हिमालय, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में सतलज। तो ये उनकी एक बाउंड्री थी मोटी मोटे जो बनाया गया है। कुणिंदों ने पहली राजधानी किसे बनाया था? पहली राजधानी है कालकूट, कालसी बनाई। उसके बाद सुग्न नगर, ठीक है, सुग्न नगर, फिर बनाया बेहट, बेहट क्षेत्र, बेहट वही सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र को बेहट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस वंश के राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया? कुणिंद। यही राजाओं को बोला है ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ। कौन से कुणिंद राजाओं के नाम मुद्राओं पर मिले थे? ये सब यूपीपीएससी के क्वेश्चन है। मोहभूति, मोहभूति, युद्धत, मगभत, मगभत, शिवपालिक, शिवपालिक, बहुत सारे राजा हैं। मोहभूति के तो अलग ही एक प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, उसके नाम से। लिपि का उपयोग कुणिंदों ने किया था मुद्राओं पर? कुटिला, कुटिला। इनकी जो मुख्य लिपि थी वो थी खरोटी और जामी, जो रजत और ताम्र मुद्रा है। अमोघ भूति की मुद्राओं पर क्या लिखा हुआ था, क्या बोला जाएगा इसको? उत्कीर्ण था,
राजे कुंडस अमोघ भूतिस महाराजस। तो यही पढ़ने के बाद पता चला कि ये अमोघ भूति की है, ठीक है, जैसे कोई मोहर लगा देता है अपना, आज के समय बोले तो कोई हॉलमार्क है जैसे। जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा थी, ठीक है, उसमें छत्रेश्वर का नाम मिलता है भगवत छत्रेश्वर महात्मन नाम से। ठीक है, तो इसका जो विशेषता जाती है, ताम्र और रजत धातु का प्रयोग हो रहा है, राजाओं के नाम ज्यादातर कुड़ी मुद्रा के ऊपर आ रहे, ब्राह्मी और खरुष्ठी लिपि का उपयोग है, और मुद्राओं पर यवन और कुषाण प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो धर्म है तो शैव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी मुद्रा पर है, यानी उनके कोई ना कोई चिन्ह उसमें बने हुए हैं। अच्छा, अभी कहा जाता है कि केदार भूमि किसे कहा गया, ये हालांकि बाद का वंश ने बोला था, जो पर्वताकार वंश के समय था, दलदल वाली जो सिंचित भूमि को बोलते थे केदार भूमि, और बिना सिंचित को सारी भूमि। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सारा। और भूमि कर कितना दिया जाता था पर्वताकार या पौरव वंश के समय, कितना भाग था, 1/4, 1/5, 1/6 या 1/10? 1/6, 1/6 भाग था इसे। ठीक है, और भागिक नामक अधिकारी, ठीक है, भागिक नामक अधिकारी इसको वसूलता था, जनसंख्या। ठीक है, तुमने याद कर लिया होगा पूरा, जनसंख्या है 200,000। हाँ, तो इसमें बताओगे कि जो 2011 की जनगणना हुई थी कौन से क्रम की जनगणना थी? 15वीं। ठीक है, तो ये हो जाती है 15वीं जनगणना। ठीक है, अब 16वीं जनगणना होनी थी, तो कोरोना काल के कारण उसको स्थगित किया गया था। फिर उत्तराखंड में महिलाओं का प्रतिशत 2011 के अनुसार ही पूछ 49.07, तो लगभग मोटे तौर पे 2% का अंतर है, कुल आबादी का 2% लगभग मोटे तौर पे 1 करोड़ मान लो, तो 2% 2 लाख हो गया। ठीक है, तो 2 से 2.5 लाख के बीच हमारे स्त्री पुरुष का अंतर हो गया। किस जनपद में 16.82% जनसंख्या का निवास है, कौन से जिले में? देहरादून। ये देहरादून है। ठीक है, सबसे ज्यादा हरिद्वार है, फिर 16.82, और जनसंख्या का आंकड़ा भी इसी के नजदीक है, क्योंकि 1 करोड़ निकाल है। ठीक है, तो 16,96,000 परसेंट में 16.82, लेकिन अब क्या है आगे आंकड़े बदल जाएंगे, वह संख्या का परसेंट अलग अलग होगी। कितने जनपद हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, इस प्रकार से भी बन सकता है? 4, 3, 9 लाख है नैनीताल, जो चौथा है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर के बाद उसकी 10 लाख से नीचे आ गया। सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग। ठीक है, और 2,42,000 वैसे भी इतना ही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच, ठीक है, तो पिछले वाले दशक का ही हो सकता है वृद्धि, अगले का तो अगली गणना में आएगा। तो 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधमसिंह नगर।
33.45 यानी 33.45 अगर याद रखना है। इसके बाद है हरिद्वार का ये इसका ग्यारह होता है। सबसे कम 10 के वृद्धि जिसमें ऋणात्मक हुई है पौड़ी 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 पूछेंगे तो अल्मोड़ा अल्मोड़ा जगह तो दो जिले याद रखना पौड़ी अल्मोड़ा ठीक है। -1.41 और -1.28 तो यानी दो जिले क्या है ऋणात्मक 10 के वृद्धि दर्शा रहे। इसका मतलब जनसंख्या घटी है ऋण ठीक है। माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि बढ़ने की जगह घटी है। तो घटने का कारण क्या है पलायन है ना। इसी वजह से पलायन आयोग बनाएगा पौड़ी में ही उसको पौड़ी में ही मुख्यालय। और ये क्वेश्चन भी आया था ना पलायन आयोग का नया नाम ठीक है। क्या नाम रखा नया पलायन निवारण ग्रामीण विकास तथा पलायन निवारण आयोग ये हो जाएगा उसका ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि उत्तराखंड का बताओगे जन घनत्व 189 और अगर ये कभी कभी क्या है कि इस प्रकार से आयोग पूछ लेता है थोड़ा सा उसको टफ करने के लिए कि पूर्व की तुलना में कितना बढ़ा है ठीक है। 20 ये बड़ा था 30 जनघनत्व हो गया हमारा 189। तो सबसे ज्यादा इसमें से ठीक है किस जिले का जनघनत्व है हरिद्वार 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 है 801 ठीक है। सबसे कम 41 उत्तरकाशी तीनों वही बड़े जनपद जो एक साथ बने सीमांत है तिब्बत बॉर्डर पे तो वो 100 से कम घनत्व वाले हैं ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि जहां हमारे सबसे बड़ा एरिया है और वहां हमारी सबसे कम पॉपुलेशन है। पर्वतीय जनपदों में ऐसे एक समस्या होती है कि जनसंख्या का असमान वितरण होता है। इससे क्या संसाधनों का अलग ढंग से होगा जैसे ये जो हमारे तीन बड़े जिले जनसंख्या में तो उत्तराखंड की आधी आबादी उसी में बस और फिर सरकार जो भी क्योंकि योजना बनाती है तो अपने वोट को देख के बनाती है कि अगर हम 10 जिलों में जितनी योजना चलाए और इन तीन में चला दें ज्यादातर तो वोट मेगा प्रोजेक्ट जो लग रहे बड़े काम हो रहा है तो वो गढ़वाल की तरफ कुमाऊं की तरफ पहाड़ों में कम हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा अल्मोड़ा का है ठीक है। अच्छा माना जाता है क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से भी है तो वहां पे 1000 लड़कों पे लगभग 950-55 ही लड़कियां पैदा होती है। प्राकृतिक रूप से भी लिंगानुपात इतना कम रहता ही है तो जहाँ पे 1000 से ऊपर है 7 जनपद है हमारे ठीक है। चमोली हो जाएगा पिथौरागढ़ 1020 है फिर टिहरी 1078 बागेश्वर 1090 और बाकी पौड़ी रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा ये तो 1100 से ऊपर है सर ठीक है। तो यानी 7 ऊपर है 6 नीचे तो 7 में बेस्ट अच्छा है 1000 से ऊपर लेकिन अगली गणना में इसके कम होने का पूरा पूरा चांस है ठीक है। यहाँ तक कि उत्तराखंड पूरे भारत के जो सबसे खराब लिंगानुपात वाले लास्ट के 3-4 जिलों में 3-4 राज्यों में आ सकता है ऐसा भी भारत सरकार ने चेतावनी दी है उत्तराखंड सरकार को क्योंकि हाल ही के वर्षों में इतनी ज्यादा घटनाएं यहाँ पे ये भ्रूण हत्या की हुई है उस वजह से। अच्छा वह एक दशक पूछा गया था हाँ ये था कि कौन से दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी कौन सा साल थे वो 61 से 71 याद रखना है 1971 to 81 में 27.45 वृद्धि हुई और
इतनी वृद्धि फिर कभी नहीं हुई, अभी 18 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो ये याद रखना तुम्हें कि भारत हो चाहे उत्तराखंड, 10 की वृद्धि घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये कथन याद रखोगे, 10 की वृद्धि बढ़ नहीं रही है। अगर 10 की वृद्धि बढ़ती तो जनसंख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ती, जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी है ना, लेकिन बढ़ने की रफ्तार पहले की अपेक्षा कम हो रही है। अगर जैसे अभी 18 है तो अगली बार 15-16-17 हो जाएगी, तो वो कम तो है पर कितना कम है, बहुत कम है, पर कम तो आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो 10 की वृद्धि लगातार भारत और राज्यों में कम हो रही है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले तुमने सुना होगा, लगभग 1 हफ्ते पहले वो आंकड़ा आया था कि चीन से आगे निकल गया भारत कुल जनसंख्या में। ठीक है, लगभग 1 अरब जो है ये 37-38 करोड़ को क्रॉस किया इंडिया ने, और चीन की भी इतनी थी तो हम उनसे अब आगे निकल चुके हैं। अच्छा, अब आ गया है, थोड़ा सा इसमें और रहेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून, और स्त्री साक्षरता देहरादून, ये भी देहरादून आएगा। ठीक है, पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग, हाँ ये याद रखना है तुम्हें, यहाँ पे रुद्रप्रयाग वालों ने जो है कमाल कर दिया। ठीक है, वैसे भी तुमने देखा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो भी पहाड़ों का ही अच्छा रहता है ना। अब है, किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? बागेश्वर, सर्वाधिक हरिद्वार, हरिद्वार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि 11,97,000 तो ग्रामीण ही है वहां पे। ठीक है, बाकी जो बचेंगे क्या होगा, वो नगरीय हो जाता है। तो पूरे कुल आंकड़े के हिसाब से तुम्हें याद रखना है कि जो ग्रामीण का प्रतिशत है वो क्या है, ये बताओ। उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का 69.77। ठीक है, तो मोटे तौर पे 69 ही हो गया, और ये हो गया 30.23, 30.23। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि देखो नगरीय जो है उत्तराखंड में नगरीय 30 हो रहा है, 30.23, और भारत का 31 है। ठीक है, भारत और उत्तराखंड में एक अंक का ही अंतर आ रहा है केवल, इसीलिए भारत को अभी भी गांव का देश ही बोला जाता है, गांव ही गांव है यहाँ। देखो पूरे भारत में 6,40,000 से ज्यादा गांव है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर का दे रखा है इन्होंने 31.2 और उत्तराखंड का 30.2, तो एग्जैक्ट 1 पॉइंट का ही अंतर आ रहा है। तो इसको याद रखना आंकड़े को, बिल्कुल दोनों चीज इसमें तुम्हारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर भारत का वो भी निकल जाएगा 100 से घटा के, ग्रामीण और उत्तराखंड का भी आ चुका है 69.7। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि जनगणना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई आंकड़ा आ जाता है। सिंचवाल परीक्षा में आया था ये कि साक्षरता में कम राज्य का 17। हाँ ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सा क्रम है? 18 है। ठीक है, मैं एग्जाम में भी पूछा था ना कौन सा क्रम था, वो लिंग अनुपात पूछा। अच्छा ठीक है, लिंग अनुपात था, कितना क्रम है उसमें लिंग अनुपात में? 2500। तो हमारे राज्य फिर तो लास्ट में पहुंच जाता ना, 13वां वो है। ठीक है, 13वां राज्य है हमारा लिंग अनुपात में, और लेकिन अभी इस बार के जो आंकड़े आएंगे उसमें यही उम्मीद है कि वो लास्ट के राज्य में आ सकता है। उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है या बाल लिंगानुपात 890, भारत का 919। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि 29 अंक कम हो रहा है
जो 0 से 6 साल वाले हैं 29 कम हो रहा है हर 1000 पे, तो इसलिए भी पता चल रहा है कि, जबकि जो वयस्क लिंगानुपात है वहाँ ठीक उल्टा है 943, वो 20 हमारा ज्यादा है और यहाँ 30 कम है। तो इसका मतलब क्या है, हाल ही के वर्षों में यानी पिछले 10-15 सालों में ये घटना हुई है ना सारी जो हुई है, क्योंकि जिसको देखो 0 से 6 साल माना है और 11 की गणना है, तो वो 2003-04 से और 2010-11 के बीच पैदा हुए थे बच्चे, और अब वो बच्चे ही वयस्क हो चुके होंगे, ठीक है, जिन्हें हम शिशु लिंगानुपात में काउंट किया, तो जाहिर सी बात है वही लड़कियां बड़ी होंगी तो लिंगानुपात तो गिरेगा, क्योंकि जो अब पैदा होंगे तो वो 18 साल में वयस्क होगा तो उसका बाद में काउंट होगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिमाइंडर दिया उत्तराखंड सरकार को कि बहुत कम होने वाला है भविष्य में, जिससे क्या है कि फिर जैसे हरियाणा में हुआ तो हरियाणा में एक छवि उसकी खराब हो गई है ना, वहीं से फिर प्रधानमंत्री को योजनाएं शुरू करनी पड़ी बेटी बचाओ वाली और सुकन्या, ठीक है। तो इन दोनों योजनाएं जो मैंने बोली इनका संबंध क्या है, लिंगानुपात सुधारना, ठीक है, ये है इनका। ये तुम्हारे हो गए लिंगानुपात से संबंधित, ठीक है। अब जैसे कल संडे है तो उसमें थोड़ा सा और वर्क दे देंगे तुम्हें, व्हाट्सएप में बता देंगे वो क्या क्या काम तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कोई टॉपिक जो कि तुम्हारे पटवारी एग्जाम के लिए भी काम आए, पटवारी काम के लिए जो जीएस का कोई टॉपिक मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, क्योंकि लूसेंट की बुक है जैसे, या ये तो कॉमन बुक है ये सभी के पास है ना, वहां से दे देंगे। ठीक है, लिंगानुपात हो गया, ये सब बता दिया तुमने, शहरी आबादी से संबंधित वीडियो परीक्षा में भी आ चुका था, आप देख लेते हैं करंट इवेंट्स के क्वेश्चन, कुछ हमने पिछली बार भी किए थे तो उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बताओ, नागालैंड तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल और एग्जाम में काफी ज्यादा आ रहा है ये, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी के नाम से लिया गया है, हॉर्नबिल पक्षी होता है और कई राज्यों में ये बर्ड रहे पाई जाती है। तुमने देखा होगा कि पक्षी प्रजाति के हिसाब से उत्तराखंड नंबर एक आ चुका है, पक्षी प्रजातियों की संख्या के आधार पे उत्तराखंड को पहला स्थान मिला था, ये भी याद रखना। और पूरे दुनिया का लगभग 11-12% पक्षी भारत में है और उसका भी लगभग 11-12% लगभग ही उत्तराखंड में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसी हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड में, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए, ये प्रसून जोशी को, प्रसून जोशी अल्मोड़ा के मूल रूप से, और इन्हें एड गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट था कि मातृत्व मृत्यु अनुपात, ये पूछे थे पिछली बार की नहीं पूछे थे, जी सर पूछे थे ना, कई बार बच्चों को भी याद नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कोचिंग में लिखा देता हूँ जब, तब बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन लिखते हुए कि ये तो हमने पहले लिखे हुए, तब याद आया। तो मातृत्व मृत्यु अनुपात है, ये प्रति 1 लाख पर होता है, ठीक है, जब 1 लाख प्रसव होते हैं, 97 है, ठीक है, 1 लाख पर 97, तो 97 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जब 1 लाख बच्चों का जन्म होता है ना। तो भारत सरकार की कोशिश है कि इसको 60 के अंदर लाया जाए, ठीक है, इसको बहुत कम कर दिया जाए, जो विकसित देश होते हैं वहां पे ये दर जो है वो 20 से 40 के बीच रहती है, यानी मृत्यु तो होगी ही सब जगह लेकिन भारत में ज्यादा हो रही है, खासकर जैसे तुमने गढ़वाल पहाड़ों में देखा होगा वहां सुविधा नहीं रहती, अब किसी को ब्लड की कमी है, किसी को कुछ कमी है, किसी को हॉस्पिटल टाइम पे नहीं मिलता, तो ये वाली चीजें वहां कॉमन है। पहला जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया गया, शीतकालीन महोत्सव के नाम से था ये, फर्स्ट इंटर ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, इसकी भी मैं तुम्हें फोटो दे दूंगा, सब नोट कर लेना, यह है J&K। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती, सौराष्ट्र,
सौराष्ट्र ने जीती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये आयोग हमें पता है यूकेपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पुराने नहीं पूछता है, ये यूके ट्रिपल एससी की तरह सरप्राइज नहीं करता है ना। यूके ट्रिपल एससी तो ऐसा पूछता था कि जो तुमने पढ़ा ही नहीं है ना, 2019 का पूछ लिया, 20 का पूछ लिया, और बच्चे पढ़ के जाते थे उसी समय का। तो ये लेकिन ठीक ही पूछ रहा है सबसे, जैसे 2-3 महीने पहले से लेके और 6 महीने 1 साल के अंदर तक के महत्वपूर्ण जो भी घटना है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वर्ल्ड के जैसे वर्ल्ड कप हो गए, स्पोर्ट्स के इवेंट, कोई महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ, कोई युद्ध अभ्यास हुए, सम्मेलन हुए, जैसे G20 हो गया। तो इस प्रकार से जब भारत के मूल के व्यक्ति किसी देश में बड़े पदों पर पहुंचे, जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक। अगला है, डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनाया गया? लद्दाख। हाँ, ये लद्दाख में, ठीक है। इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, भारत का शीत मरुस्थल का दर्जा इसको दिया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे दुनिया का बड़ा उष्ण मरुस्थल तो सहारा है, और भारत में एक ही मरुस्थल है थार का मरुस्थल, पर इसको बोलते हैं हम क्या, ये ठंडा मरुस्थल हो गया है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट है सेमेरू ज्वालामुखी, सेमेरू ज्वालामुखी का मोनालोवा हवाई द्वीप, ये हवाई में है ना, और हवाई जो है वो किस देश के अधीन है? अमेरिका। तो ये हमने दो बताए थे, दो ऐसे स्टेट है उनके अमेरिका के जो उनकी मुख्य भूमि के बाहर है, एक अलास्का है एक है हवाई, दोनों याद रखना है, ठीक है। अलास्का पूछा जाता है बार बार जीएस में कि किस देश का अंग है, तो अमेरिका का है, ठीक है। और टोटल स्टेट उनके 50 है, जबकि उनके नेशनल फ्लैग में उतने ही स्टार दिए गए। तो भारत की तरह नहीं है कि उसमें राज्यों की संख्या क्या बढ़ती रहती है, हमारे उसमें है कि हम बढ़ा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन अमेरिका में राज्यों की संख्या क्या है, बढ़ती नहीं है ना, संख्या नहीं बढ़ेगी, मतलब वो किसी के हिस्से को, जैसे अभी हरिद्वार को हमने यूपी को दे दिया, तो संख्या राज्यों की तो फिक्स है, राज्यों की संख्या नहीं बदलेगी उनके संविधान में। तो हवाई द्वीप हो गया, और अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है हवाई आइलैंड में, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला गोल्ड एटीएम, हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। और ऐसी एक उत्तराखंड में था कि पहला दुग्ध एटीएम, वो था हल्द्वानी, हल्द्वानी में शुरू किया गया था मिल्क एटीएम, ठीक है। कार्ड स्वाइप करेंगे, जो भी पैसे उसके होंगे फिर उसके हिसाब से वही मिल्क प्रोडक्ट जो है मिलेगा। आयुर्वेद कांग्रेस 2022 कनाडा, कनाडा कहाँ हुई थी? यह है गोवा, पुणे, ठीक है। नोबेल आयुर्वेद कांग्रेस, इसे आरोग्य एक्सपो भी बोला गया है, उस दिन भी बताया था हमने कि जैसे डिफेंस एक्सपो गुजरात हुई, आरोग्य एक्सपो हुआ गोवा, ठीक है। और जो हमने पूछा है आरोग्य कांग्रेस, और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो होती है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से इसको हमेशा लिखना, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन में दिख जाएगी, और यूके पीएससी का तो खासकर ऐसे क्वेश्चन उसके फेवरेट रहते हैं, बार बार देता है, ठीक है। तो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? नागपुर। हाँ, यह है नागपुर, याद रखना, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। तो भारत के जो युवा वैज्ञानिकों को उनके जो भी रिसर्च रहता है, उस रिसर्च पेपर को वहां पे पढ़ा जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो इससे क्या है, लगभग 5-6 हजार भारत के नए वैज्ञानिक जो युवा वैज्ञानिक है, मान लो किसी ने अपनी पीएचडी के दौरान ही कुछ छोटा मोटा आविष्कार कर दिया, तो वो सब चीजें डिस्कस होती है विज्ञान कांग्रेस में। तो ऐसी चीजें बहुत सही है, मतलब देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे सम्मेलन संस्थाएं बननी चाहिए। नेक्स्ट है ब्लाइंड T20, ठीक है, वर्ल्ड कप किसने जीता 2022? भारत। भारत, हाँ, भारत ने जीता है। जो ऐसे लोग होते हैं, देखो अंधे होके भी क्रिकेट में नाम कर दिया, कई तुम देखोगे दिव्यांग लोग हैं, उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर दिया, तो
तो सारी जो बात है वो क्या है, इच्छा शक्ति है। ठीक, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, विल पावर जिसकी जितनी मजबूत है लाइफ में वो उतना ही आगे जाता है, और कुछ भी चीज नहीं होती। देखो, कोई सोचता है मेरा दिमाग से याद नहीं होता, तो वो उस चीज को प्रैक्टिस ज्यादा करके कर सकता है। किसी को एक घंटे में वो क्वेश्चन याद हो गए तो तुम्हें दो में, तीन में, चार में तो हो गई, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। मेहनत है, इच्छा शक्ति है, तो मतलब दुनिया की कोई भी परीक्षा कुछ भी नहीं है। फिर किस देश ने अपनी पहली मेट्रो 28 दिसंबर 2022 को चलाई? भारत का पड़ोसी देश जिसने अपनी पहली मेट्रो चलाई, मणिपुर। पड़ोसी मेट्रो तो हमारे यहाँ पहले आ चुकी थी ना, कलकत्ता मेट्रो, फिर ये आई थी दिल्ली आई थी 2002 में, तो हमारी आ चुकी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है, तो बाकी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और भारत में कब आई थी पहली मेट्रो? 1984। हाँ, तो इतना अंतर है, मतलब जो चीज हमारे 84 में आ चुकी है, बांग्लादेश 2022 में ला रहा है उसको। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल है, उन्होंने नेपाली सेट नाम से सैटेलाइट छोड़ा अपना पहला, है ना, तो ये अभी ग्रो कर रहे हैं स्टार। जैसे हमारा 1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हो गया, तो इसलिए क्या है कि भारत के पास बहुत अच्छा मौका है अपने आसपास के देशों को लीड करने का। ठीक है, और जब हम इन देशों को मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देंगे, तब हमारी कंट्री आगे जाएगी। ठीक है, कोई भी कंट्री क्या है कि अनाज और वो बेच के अमीर नहीं हो सकती, है ना। फ्रांस वालों ने देखो हमें 36 राफेल विमान दिए, तो लगभग वो 58,000 करोड़ के, एक राफेल जहाज लगभग 1700 या 1800 करोड़ का पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी की ये कीमत होती है। ठीक है, अगर हम अनाज देंगे फ्रांस को उसके बदले, तो कई सीजन तक हम गेहूं चावल, हाँ पहले ज्यादा थे, कांग्रेस के समय वो प्रस्ताव क्या है पास नहीं हो पाया, मतलब कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया उतना मनमोहन सिंह सरकार ने, वरना हमें उस समय सस्ते मिल जाते और ज्यादा मिलते। ठीक है, तो अब एक स्क्वाड्रन बन पाएगी, मतलब राफेल जहाजों की, और इस समय उन जहाजों की डिफेंस को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरीके से चीन ने भी अपने तेवर बदल दिए कुछ सालों में, है ना। तो चीन की क्या नीति हमेशा से आक्रामक नीति रही है। चाइना के बॉर्डर में जो है दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्री है, ठीक है ना, और सबके साथ ही उसका 13 देश है उसके साथ, और सबके साथ ही उसका झगड़ा है। अगर तुम्हारा किसी एक से हो जाता है तो मानते हैं तुम्हारे विचार नहीं मिले, दो से हो गया, अब तुम्हारा सबसे हो गया, तो इसका मतलब हमें खराब है फिर, है ना, फिर सामने वाला नहीं है, तो उसका व्यवहार ही वैसा है। और चाइना ही इंडिया के लिए चुनौती है भविष्य में, क्योंकि पाकिस्तान तो लगभग खत्म हो, समाप्ति की कगार पे है, ना तो उसके पास इकोनॉमी है, ना वहाँ खाने के लिए है ना, ग्रे लिस्ट में डला हुआ है वो, ना उसे कोई देश लोन दे रहा है। IMF वर्ल्ड बैंक ने भी उसको मना कर दिया कि जब तक ग्रे लिस्ट ओपन नहीं होगी तो बड़े लोन पास नहीं होंगे। तो इंडिया के लिए अच्छा ये, जितना वो अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा, यहाँ आतंकवादी नहीं भेजेंगे, लेकिन चीन क्या है कि चीन समस्या है फिर। नेक्स्ट है नई चेतना, ठीक है, नई चेतना नामक एक अभियान जो कि है पहल बदलाव की। ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव की, ये किस मंत्रालय का अभियान है? संस्कृति। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, गांधी जी बोलते थे ना, जब गांव का विकास होगा भारत का विकास तभी होगा संभव। नेक्स्ट है एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर जो मनाया जाता है वो एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि उस रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए एक ट्रेन चलती है भारत में, कौन सी है वो जागरूकता के लिए? कई बार ऐसी चीजें भी एग्जाम में आ जाती है, तो ये रेड रिबन एक्सप्रेस है। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भारत के अलग अलग सिटी में घूमती रहती है। ठीक है, मान लो देहरादून आ जाएगी एक हफ्ते के लिए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूलों के वहां पे जाके देखेंगे, और उस ट्रेन के अंदर सारे काउंसलर बैठे रहते हैं, चित्र बने हुए, उसके माध्यम से नई पीढ़ी के युवा या कोई भी जा सकता है उसमें देखने कि कैसे ये चीज फैलती है, कैसे रुक सकती है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी दवाई क्या है। ठीक है, क्योंकि एड्स ऐसा टॉपिक हो जाता है थोड़ा कि लोग उस पर बात नहीं करते हैं।
इसके लिए गवर्नमेंट ने रेड रिबन एक्सप्रेस जागरूकता के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इसके जो मरीज है वो अफ्रीका महाद्वीप में. नेक्स्ट आ जाते हैं हम G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? बाली. G20 पिछले साल बाली हुआ था और 2023 भारत. हाँ, यह दिल्ली में, ठीक है. बाली का हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, वो सिस्टर सिटी के रूप में, उसके लिए समझौता भी किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ. तो उत्तराखंड और उनका बाली एक द्वीप हो गया, उनका भी एक स्टेट है, तो उसको दोनों को एक दूसरे के कल्चरल और जो भी है वो सब आदान प्रदान करेंगे, ठीक है. बाली वाले अपने उसको उत्तराखंड जैसा बनाएंगे, बस वो एग्जाम की दृष्टि से ना कॉपी कर ले हमारा मॉडल, तो फिर वहां की परीक्षा हो जाएगी सारी द्वीप. सांस्कृतिक विरासत के लिए हो गए, मैंने मिनिस्टर बता दिया. अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक खुदरा डिजिटल कार्ड जारी किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, खुदरा डिजिटल कार्ड, उसका नाम रखा है ई रूपी कार्ड, ठीक है, ई रूपी. तो हर जगह नाम थोड़ा अलग रहता है, कहीं स्मार्ट कार्ड बोल देते हैं ना, कहीं कुछ है, कहीं क्रेडिट कार्ड, कहीं डेबिट कार्ड. तो RBI ने ई रूपी नाम से जारी किया है खुदरा डिजिटल के लिए. तो RBI क्या है कि डायरेक्ट कस्टमर से डील ही करता है, यानी मैं डायरेक्ट RBI में अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ, मैं SBI PNB इनमें खोल सकते हैं, ग्रामीण बैंक, और ये बैंकों का बैंक है वो, ठीक है. बैंक उसके साथ डील करते हैं कि हफ्ते में कितना कारोबार किया, कितना लोन दे दिया, है ना. तो तुमने देखा होगा कि सबसे अच्छी व्यवस्था बैंकों में ही रहती है, उसका कारण वही है कि बैंक हमारे अंग्रेजों के समय के स्थापित है, और जब ऊपर वाले सही होते हैं तो रिजर्व बैंक और बैंकिंग लोकपाल इन पे निगाह रखता है बैंकों पे. जैसे कोई बैंक ज्यादा लोन देता है तुरंत उसे फोन आ जाता है कि आपकी इस महीने की लिमिट खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद नहीं देगा. तो बैंकों में बहुत अच्छा काम चलता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट बैंक. तुमने बहुत कम देखा होगा कि रिश्वतखोरी या काम चोरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी अदर डिपार्टमेंट में क्या है कि ऊपर कोई बैठा नहीं है पूछने वाला, तो फिर वहां इस कारण ज्यादा अंधेर नगरी है ना, चौपट राजा. बाकी डिपार्टमेंट हमने आजादी के बाद बनाए, तो वो हमारे स्टाइल से चल रहे हैं और ये चल रहा है उनके उससे. तुमने वो देखा होगा कि पहले जो गवर्नर थे वो अंग्रेज थे, RBI के गवर्नर कौन थे पहले? ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है. तो उन्हीं के मॉडल पे पूरा, तो वो ऐसे चीज बना के गए हैं कि बैंकिंग में, क्योंकि अगर बैंकिंग व्यवस्था ही सबसे खराब हो जाती है और भ्रष्ट, तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता ना. तो कम से कम वहां थोड़ा ठीक है हिसाब किताब. ठीक, अब थोड़ा हिंदी काल हमने जो क्या दिया था इसमें भक्ति काल. अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं ज्ञानश्रयी और निर्गुण शाखा के सबसे महान कवि निर्गुण कबीरदास. जबकि निर्गुण आ गया, ठीक है, निर्गुण पंथ के उपासक ज्ञानश्रेय आ गया, इन्होंने ज्ञान पर बल दिया. बस ये टर्म याद रखना, ज्ञानश्रेय निर्गुण और किसी के लिए नहीं आता, कबीरदास एकमात्र है, ठीक है, क्योंकि इनके अपने माता पिता नहीं थे, इनका पालन पोषण किसने किया? जुल्हा दंपत्ति, जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, जुल्हा दंपत्ति को ये कहा जाता है कि इसी कुएं के किनारे मिले थे और उन्होंने इनका नीरु और नीमा ही फिर इनके पालक माता पिता बोले जाते हैं जी, अपने माता पिता इनके मालूम नहीं है. इसीलिए देखो ये इस प्रकार के हुए, भगवान को भी वही व्यक्ति मानता है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है. अगर किसी के माँ बाप भी नहीं है, घर भी नहीं है, जीवन में समस्या समस्या है, तो वो ऐसे जीवन का करेगा भी क्या, ठीक है, और उसके लिए भगवान है या नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है. तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर क्या है, नास्तिक हो जाते हैं. इनका जन्म किस वर्ष में माना जाता है? 1440. और कई जगह 1398, कई जगह 1400 कुछ दिया है. तो विवादित होने का कारण क्या है, क्योंकि वो ये भी नहीं पता कि वो उस समय एक साल के थे, दो साल के थे जब मिले थे. तो एक तो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, फिर ऐसी चीजें पूछे मुश्किल ही है कि पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि जो
इनका दे रखा उसी हिसाब से तो 120 साल हो रहा है, 1398 से 1518 है ना, तो ये तो रहने देते, चलो छोड़ो। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो बोला जाता है काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए, ठीक है। रामानंद ने चेतना दी यानी कि ज्ञान, भले ये अनपढ़ थे लेकिन इनको चेतना आ चुकी थी। चेतना किसी भी व्यक्ति के जागृत हो सकती है, चाहे वो अनपढ़ है ना, तीसरी पास है, चौथी फेल है, और चाहे कोई तुमने देखा होगा कि वो 4-5-10 डिग्री ले रखी है पर उसका व्यवहार बहुत अनुचित है समाज में। अब जो इतने बड़े बड़े अधिकारी घोटाले कर रहे हैं, क्या ये अनपढ़ है? इन पर पता नहीं कितने प्रकार के कोर्स और डिग्रियां और बीटेक और ये सब करके पहुंचते हैं, लेकिन ठीक है, अंदर से फिर वही है। इनकी रचना का नाम बताओ। बीजक। साखी सबद रमैनी, ठीक है। तो इन तीन का भी जो थोड़ा सा अलग आ जाता है क्या होता है, जैसे साखी है उसको साक्षी बोला गया है, ठीक है, संस्कृत में साक्षी हो जाएगा। शबद है वो संगीत के रूप में, ठीक है, संगीतात्मक अगर काव्य पूछेंगे तब शबद आएगा, शबद कीर्तन जैसे होते हैं, शबद कीर्तन कर लो, गाने वाला है इसमें। और रमैनी है चौपाई, रहस्य, रहस्य और दर्शन का भाव किसमें है, तब रमैनी आएगा, ठीक है। जैसे प्रभु की धुन में रम जाओ तो रमैनी है, रम जाओ खो जाओ उसमें, उसमें गाना नहीं है, मतलब आप मनन करना है अंदर क्या फील कर रहे हो तुम। तो साखी शबद रमैनी ये बीजक है, इसका संकलन किसने किया? धर्मदास। आचार्य धर्मदास ने किया था। किसने बोला है वाणी का डिक्टेटर, ये क्वेश्चन आता है बहुत। आचार्य हजारी प्रसाद ने वाणी का डिक्टेटर बोला है, ठीक है। और इनकी जो भाषण शैली है वो कैसी प्रकार की है? या पंचमेल खिचड़ी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कबीरदास, तो कबीरदास के कहा जाता है कि हर दोहा जो है लाखों करोड़ों रुपए का है, कोई एक भी अपना ले, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप है ना। और एक वो है कि बकरी खाती पात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो जो बकरी देखो घास खा रही है और उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया उसे, है ना, जब कसाई के पास गए तो कसाई तो उसकी खाली निकालेगा, काटेगा, बोटी बोटी काटी गई उसकी, तो उसने कहा जो नर बकरी खा रहा है तो उसका कैसा होगा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा, ये अंदाजा लगा लो। तो ये टाइप से क्या हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने। तो हर दोहे के अंदर मतलब उनकी गहरी बात है। अब आ जाते हैं तुलसी, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला कहा जाता है कि जब इन्होंने पहली बार कुछ बोला था तो राम का नाम ही इनके मुंह से निकला खुद ही। तो जो होना होता है देखो इतिहास में किसी को नहीं उस समय तक पता था, तो इसलिए नाम तब से बोले कि राम बोला इनका पड़ा है। किस विद्वान ने कहा था कि अगर बुद्ध के बाद कोई समन्वय कार्य है भारत में तो वो तुलसी है? ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी तुलसीदास का बहुत अध्ययन किया, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये भी लिखा था कि सब ही नचावत राम गोसाई मोही नचावत तुलसी, ठीक है। तो सब राम के दीवाने हो गए लेकिन ये तुलसी के भक्त हो गए, तुलसी का अध्ययन करके कि तुलसीदास इतने महान व्यक्ति कैसे बन सकता है कोई। इनका सबसे प्रसिद्ध यानी गौरव ग्रंथ किसे बोलते हैं, प्रमुख ग्रंथ को हम गौरव ग्रंथ भी बोल देते हैं? रामचरितमानस जो है, और इसकी पूछा जाता है किस भाषा में लिखा था? अवधि का है ये। एक एग्जाम में पूछा था ना विनय पत्रिका किसमें लिखी है, वो भी निका है ब्रजभाषा में। ने उसका गलत आंसर देके परेशान कर दिया था बच्चों को। यूके ट्रिपल एससी में ऐसी गलतियां बहुत हो जाती थी। अब उम्मीद है कि देखो मार्च में बोल रहे हैं कि वीडियो पेपर होगा, हालांकि उम्मीद मुझे है नहीं ज्यादा कि करा पाएंगे वो, पर फिर भी अगर करा देते हैं तो बिल्कुल एक शिफ्ट में भी होना चाहिए और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रखो ही मत, है ना, वही रचना मिली तुम्हें जिसमें कन्फ्यूजन चल रहा, बाकी दो जिसके सटीक उत्तर है। कम से कम बच्चे को ये तो पता रहता है ना कि मेरे इतने नंबर हैं और मेरा हुआ नहीं, और मैं इतना लेवल कम रह गया, अगली बार पढ़ना भी किसी को पहले 80 दे रहे बाद में उसके 75 करके आउट ऑफ मेरिट कर दिया। तो ये और वैसे भी रिजल्ट के साथ
आंसर की देने का क्या मतलब होता है, जब आपकी आंसर की पहले आई है आपने अपना नंबर जोड़ लिए, ठीक है ना, और फिर रिजल्ट के साथ एक आंसर की और दे रहे वो कि ये संशोधित है, इसमें हमने 8 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए। चलो एक आध तो होता है, अब एक से भी बदल जाता है वैसे तो, एक क्वेश्चन से सवा नंबर का फर्क पड़ता है, और 8 क्वेश्चन से कितना हो गया, है ना। तो जो अपने आप को सोच रहे थे इन है वो आउट हो गए, आउट वाले इन हो गए। ये इस प्रकार के कोई काम होता है आयोग में? अब जो है इनकी और रचना बताओ, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? कवितावली, गीतावली, दोहावली। हाँ, ये मिलते जुलते नाम है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली भी है, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, ये सब है, और हनुमान चालीसा, ठीक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जो घर घर में पढ़ी जाती है, हनुमान चालीसा। आजकल इसके ऊपर खूब चर्चा भी हो रही है, तुमने वो सुना होगा ना, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री है ना, 26 साल के केवल और हनुमान के भक्त है, तो पूरे भारत में वो इस समय प्रसिद्ध हो चुके हैं। ऐसी कृपा हो जाए किसी पे तब तो ठीक है, कुछ भी बता दिया है ना, फिर व्यक्ति भविष्य देख के वही बताएगा ना कि भाई तेरा भविष्य इस पेपर में नहीं है, उस वाले में, तू उसी की कर, इसकी मत कर। 3rd राइटर थे इसमें कौन से थे? सूरदास। कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े माने जाते हैं, ठीक है। अष्ट छाप की स्थापना ये बताओ कब हुई थी? अष्टछाप 1565। ये पूछा गया था कि अष्टछाप क्या है, तो 8 कवियों का समूह, और जिसमें भी सबसे प्रमुख है सूरदास, ठीक है, अष्टछाप का जहाज इनको बोला गया। इनका जन्म बताओ, 1478 यूपी में, ठीक है, ये हो गया। और इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित रचनाएं, साहित्य लहरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ही आ जाती है, साहित्य लहरी है। नल दमयंती, नाग लीला, प्राण प्यारी, ये है इनकी, तो सबसे मेन आ जाएगा साहित्य लहरी, याद रख लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तुमसे सुना जाएगा हिंदी का, वो पीताम्बर बड़थवाल, अभी हमने सुना नहीं, वो और हरिशंकर परसाई, जो हास्य के हैं, हास्य और व्यंग्य वाले। जी सर, जी सर। हास्य व्यंग्य, अभी 2-4 क्वेश्चन बस और पूछ लेते हैं, फिर करते हैं समाप्त। दर्पण पुस्तक किसने लिखी है उत्तराखंड में? यह है राजेश भंडारी, नैंसी। वो था अक्षर दर्पण, पहला देने वाली घटना ये था देघाट का गोलीकांड, ठीक है, देघाट गोलीकांड कब हुआ था? 1942 की घटना है, उस साल पूरे भारत में भी आंदोलन का युग था ना। होम स्टे योजना कब आई थी? 2018। रानी का नौला, ये कौन से जनपद में? रानी का नौला चंपावत। ये आपका
एक हथियार देवाल के निकट है। पिथौरागढ़, माय इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक। चिपको आंदोलन की मातृ संस्था किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन की मातृ संस्था यह दसौली ग्राम स्वराज संघ, जो कि 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बनाया। अगर चंडी प्रसाद भट्ट जी को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1982। ठीक है, राज्य में किसी को पहला पुरस्कार था राज्य क्षेत्र से? अच्छा, अब ये नेशनल लेवल के कुछ दो चार क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। भारत की राजनीति में 1947 के बाद इनमें से किस महिला का योगदान अधिक था? ठीक है, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन है कमला रानी, राबड़ी देवी, तारकेश्वरी सिन्हा। राबड़ी देवी। इसका आंसर रहेगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना, भारत रत्न में भी नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी थी, और इसलिए 47 लिखा है। 47 के बाद भी एक्टिव रही पॉलिटिक्स में। तो बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अदर लोक सेवा आयोग के भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वहीं से कहीं ना कहीं, जैसे हिमाचल है, यूपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो ये आसपास वाले लोक सेवा आयोग के एग्जैक्ट क्वेश्चन भी यूकेपीएससी ले लेता है, हमारा उत्तराखंड का आयोग। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन लेने से क्या है, गलत भी नहीं होता है ना, फिर पहले पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर से पहले भर्ती हो रखी है, तो ये होता है, तो एग्जैक्ट से उसको भी फायदा है। ऐसे एक एक पेपर लेके फिर हम उस पर लगेंगे, वो करवाना पड़ेगा। किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? गोवा। कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता? 44। लोकसभा में बहुमत दलता नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। और फिर अस्थायी के समय क्या हो जाता है, उनको चुन लिया जाएगा स्थायी को, है ना, पहली बैठक ही जैसे होगी तो स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, याद रखना, सदन में जितने लोग होंगे उनमें सबसे बुजुर्ग होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बहुमत दल का ना हो, जैसे मोदी सरकार में कमलनाथ थे कांग्रेस के, ठीक है, सबसे बुजुर्ग तो प्रोटेम थे वो, फिर उनके बाद उन्होंने ये मीरा कुमार को चुन लिया था, तो पहले वाले कार्यकाल की बात हो रही है। भूतपूर्व सांसदों की पेंशन कब शुरू हुई? मैंने वो बोला था तुम्हें कि ईयर के नोटबुक बनाना और उसे ग्रुप में अपलोड करना, ठीक है, अभी कल संडे है तो कल उसको बना लो और कल शाम तक वो करना है ये काम। कम से कम सबके नोटबुक में 50 से 100 के बीच क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम 50, ज्यादा ज्यादा 100 लिख दो। तो ऐसी क्वेश्चन तुम्हें बना के रखते थे, तुम्हें ये आ जाता, देखो 1976 है, 1976 से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, देखो ट्रेडिशनल की एक बार पढ़ना है, बस एक बार याद हो गया, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब एक बार तुमने नोटबुक बना दी ना, और वो कितनी बार दिखेगी, बार बार जब उसको पढ़ोगे, बार बार अपने साथ रहेगी, वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जैसे मैथ रीजनिंग की तरह क्वेश्चन मिलते हैं, ईयर के क्वेश्चन में, दिवस के क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं, बस सही है तो है, नहीं है तो गलत ही है। पहली लोकसभा की बैठक, इस टाइप के क्वेश्चन लिख दो, उसमें सारे उठा के कहीं से भी लूसेंट से शुरू कर दो, जो हमने बता रहे उसको लिख दो। 1952 अप्रैल तो है राज्यसभा, देखो ठीक है, एग्जैक्ट तभी आएगा ना? आज ऐसे वाले क्वेश्चन लिखना, 13 मई 1952 एग्जैक्ट डेट है, और यूकेपीएससी डेट के साथ देता है क्वेश्चन बिल्कुल। तो लोकसभा की पहली बैठक है 13 मई 1952। जैसे मान लो तुमने पहले पेज में ये क्वेश्चन लिखा, इसे हाईलाइट कर दिया, तो तुम्हें वहां क्वेश्चन नंबर भी याद आ जाएगा कि मैंने पहले पेज का पहले क्वेश्चन ये लिखा था, ठीक है ना, डेट सही तो याद रहेगा ही फिर वो।
तो जब हम एक जगह लिखते हैं तब ऐसे माइंड क्या है उस चीज को याद रखने के लिए ज्यादा वो तैयार होता है, और जब हम मिक्स पढ़ रहे हैं कभी कहीं से तो दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? 75। यह 75 में। सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? चंद्रचूड़, जो अब है उनके फादर थे सबसे लंबे समय तक। मुख्य न्यायाधीश का वेतन फटाफट बताते रहो। 2,50,000। 2,80,000। और अन्य का आ जाएगा फिर 2,500। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का सीएम। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष लिखा है तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है? तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है, जैसे भारत की हो जाएगी तो राष्ट्रपति में निहित। अगर वास्तविक पूछेंगे तब आएगा मुख्यमंत्री, है ना? वास्तविक शक्तियां राज्य में किस में निहित है? वास्तविक डिसीजन लेने की पावर मुख्यमंत्री के पास है, तो तब आएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति से जारी होता है, लेकिन शपथ दिलाने के लिए उसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं। हरित सूचकांक किसकी देन है? ग्रीन इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक। इसमें ऑप्शन ये है, देखो यूएनडीपी, यूएनईपी, पर्यावरण सुधार विकास परिषद, क्योटो प्रोटोकॉल। ईपी है इसका, ईपी मतलब एनवायरमेंट वाला, ठीक है? वो डीपी वाला तो मानव विकास करता है, और ये वाला ईपी, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है? ग्रीन इंडेक्स जारी करके देशों को रिवॉर्ड करता है, जैसे हमारे में कंट्री में मान लो अभी 27-28% जंगल है, तो अगर हमने बढ़ा दिया तो उसको फिर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस। एक कंट्री है जो हमारे पड़ोसी देश भी है, जिसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल कंट्री, यानी वहां पे कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, भूटान है, तो याद रखना भूटान जो है। और इसलिए क्या है, वहां पे निर्माण वो भी बहुत कम इकाइयां है, कोई द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र विकसित नहीं है, प्राकृतिक तरीके से काम कर रहे हैं, और 70-80% परियोजनाएं भारत द्वारा ही संचालित है भूटान में। पुरानी मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? विमुद्रीकरण, यानी डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। ग्रेसम का नियम किसको प्रभावित करता है? ग्रेसम का नियम, ऑप्शन ये है, देखो उपभोग और मांग, मुद्रा का प्रचलन, आपूर्ति तथा मांग, घाटे की अर्थव्यवस्था। ग्रेसम लॉ ये है, मुद्रा का प्रचलन, ठीक है? तो ये देखो इकोनॉमी के जो टर्म है ना, और यूकेपीएससी अच्छी खासी पूछता है, तो अपने वीक सेक्शन पे काम करो, अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन। अब ये थोड़ा संविधान हो जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था वाले शुरू कर देंगे, ठीक है? ये छोटा भी है, 10-12 दिन में हो जाता है। मुद्रा स्फीति से किसको नुकसान होता है? देनदार, व्यापारी। हाँ, तो ये देनदार। नहीं, इसमें हो जाएगा लेनदार वही तो होगा जो ले, ठीक है? देनदार को होता है। मुद्रा स्फीति से देनदार को वो था कि लाभ होता है, ठीक है? एक बार देख लेता हूं,
है 22B, तो लेनदारी दिखा रहा है कि स्फीति से हानि होती है लेनदार को, लाभ होता है देनदार। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना कि देने वाले तुम देने वाले बनना चाहते हो, लेने वाला कोई नहीं, तो देनदार यानी लाभ में रहना चाहते हो। ठीक है, देनदार हो गया लाभ। पहली बार मुद्रा अवमूल्यन कब हुआ, ये सब ईयर भी उसमें लिखना है तुम्हें, और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देना। 1950 में, 1950 वाले में डालना क्वेश्चन, एक दूसरे के क्वेश्चन भी पता चल जाते हैं, क्रॉस चेक भी हो जाता है किसी ने कुछ गलत लिखा है। 1950 में हुआ था। अंतिम बार कब हुआ है? 91 में, जब हमारे यहाँ ये मनमोहन सिंह थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, तो उदारीकरण की नीति की भी शुरुआत हुई। ठीक है, एनटीपीसी का संबंध किससे है, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ताप विद्युत या इनमें से प्रमुख इसका जो काम है नेशनल थर्मल पावर, तो थर्मल। ठीक है, यानी कोयले से पानी गर्म करते हैं और जो भाप होती है वो टरबाइन को घुमाएगी, तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली एनटीपीसी के द्वारा यानी कि ताप विद्युत से बनती है, ये याद रखना। ठीक है, जल से ज्यादा है ताप से, कोयला गर्म करके। 1975 ठीक है, तो एक लाभकारी संस्था ये भी कि अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, ऊर्जा क्षेत्र की सभी कंपनियां जो है फायदे में रहती है। एनटीपीसी ONGC जैसे वो तेल के लिए काम कर रही है। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस। फिर प्रथम औद्योगिक नीति 1948 6 अप्रैल। नई वाली 24 जुलाई। हाँ, उदारीकरण का दौर आया था तो 24 जुलाई। ये वाली क्वेश्चन की डेट सही याद रखना, जिसकी डेट है तो वो डेट सही होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। तो इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, अगर असंगठित क्षेत्र का पूछेंगे तो कृषि आ जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि कृषि में क्या है कि खेती बाड़ी में हिसाब नहीं होता है ना, कितने मजदूर कब काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना, कोई धान की रोपाई कर रहा है, कोई आम तोड़ने आ रहा है, तो इस वाले में क्या है असंगठित हो गया। संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा कपड़ा हो जाएगा, वस्त्र उद्योग, और सरकारी या सार्वजनिक में क्या है रेलवे। ठीक है, तो जब सरकारी नाम है तो रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आज के समय, लगभग 18 लाख के लगभग कर्मचारी है उसमें, आर्मी से भी ज्यादा है रेलवे। तो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं वो, तो उसके हिसाब से ही तुम्हें देना है। ठीक है, असंगठित हो जाएगा कृषि, संगठित में वस्त्र उद्योग और सरकारी रेलवे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी थी? स्टील 1954। 1954। ठीक है, तो सैटरडे वाली जो क्लास है हम कोशिश करेंगे कि हर दिन, मतलब हर हफ्ते थोड़ा सा लंबी हो वो। ठीक है, तो कभी ऐसा समय भी मिले कि एक्स्ट्रा भी कर पाए तो बता देंगे, समय का ही अभाव रहता है, काम कई हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत है थोड़ा। फिर भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़। रूस, यानी सोवियत संघ आ जाता है या रूस के, जितने भी देखो स्टील प्लांट है, ये बिल्कुल नोट कर लो ये टॉपिक। ठीक है, स्टील प्लांट, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ताप विद्युत गृह पूरे भारत के। ठीक है, नेशनल पार्क और जितने हमारे डैम है, जल विद्युत परियोजना, ये तो क्वेश्चन आने ही आने हैं इनसे, कभी एक छोड़ देंगे दूसरा दे देंगे, है ना। भिलाई हटा दिया तो बोकारो दे दिया, वो हटा दिया तो दुर्गापुर दे दिया, ये इनका नंबर लगा हुआ है। परमाणु वाले में नरोरा प्लांट दे देंगे, तारापुर दे देंगे, ठीक है, रावत भाटा, जितने भी परमाणु प्लांट है बिल्कुल वो अच्छे से। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कहां से प्रवेश करता है भारत में, किस राज्य से? मालाबार।
यानी कि केरल से उसकी एंट्री होती है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से एंट्री करते हुए पूर्व उत्तर की साइड सीधा निकल जाता है। इसकी एक ब्रांच मेघालय की तरफ चली जाती है, जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बनती है, वहां से राम, ठीक है, जो वहां पे गारो खासी जयंतिया है ना, खासी पहाड़ी पर। और एक इसकी ब्रांच आ जाती है टर्न होके हिमालय की तरफ, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, बाकी उसमें, बाकी थार के मरुस्थल से पार करते हुए सीधे पाकिस्तान से आगे चली जाती है, तो राजस्थान सूखा रह जाता है, कम बारिश का क्षेत्र बनता है थार का मरुस्थल, वहां पे रोकने के लिए कुछ है नहीं। हमारे में क्या है, नमी वाली हवाएं हिमालय से टकरा के बरसती है, तो लगभग जून के समय ही माना जाता है, कभी पहला सप्ताह मान लो 4-5-6 जून के आसपास ये केरल में मानसून पहुंच जाता है। सर्दियों का पूछा जाता है, सर्दियों की सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है, यानी आजकल तमिलनाडु, जनवरी वाली, तो ये तमिलनाडु है। लगभग 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले तो चेन्नई में बाढ़ भी आई थी सर्दियों की बारिश से, और फिर हमारे कोचिंग के बच्चों ने वो 5,000 रुपए कलेक्ट करके वहां पे भिजवाए थे चेन्नई बाढ़ के लिए। फिर ऐसे बिहार बाढ़ भी किया था एक बार, और एक ये बाढ़ वगैरह तो हर साल क्योंकि आती रहती है, बिहार में तो खैर हर साल ही है, वहां का तो वही है, क्योंकि नदी का समतल क्षेत्र बहुत ज्यादा है, और जैसे नेपाल का पानी एंट्री करता है बिहार में तो वो बढ़ जाता है। हरित क्रांति में किस फसल का बंपर उत्पादन हुआ, गेहूं का, और किसका उत्पादन घटा था, यह मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज, दलहन आदि, इनका उत्पादन गिरा था, क्योंकि सबसे मुख्य फोकस गेहूं पे रखा था कि पेट भरने के लिए आवश्यकता जो थी पहले, इसलिए क्योंकि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से पहले पाकिस्तान से हम कर लेते थे, है ना, इंपोर्ट, तो ये था उस समय। फिर है दुग्ध क्रांति कब हुई थी और इसके वो कौन थे जनक, 1970 में, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो काफी क्वेश्चन का तुम्हारा रिवीजन हो गया है, ठीक है, तो ये वाला काम जरूर करना, तभी पढ़ाई सुचारू होगी, जो जो तुम्हें बोला जाता है ना वो बिल्कुल उसका काम क्या करो, कल शाम तक करना है तुम्हें वो 50 से 100 क्वेश्चन के बीच ईयर से रिलेटेड, और बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे भी कि किसके बनाए हुए क्वेश्चन से कितने आए हैं, मतलब तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन उसमें लेने, दमदार क्वेश्चन अच्छे, ठीक है, तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी सर, जी सर, बाकी काम तुम्हें बता देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर।